दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 26 नवंबर 2023, वार रविवार। तो जानते हैं आज अलवर की प्याज मंडी में प्याज के क्या भाव देखने को मिले और आवक कितनी रही। दोस्तों यदि आमदनी की बात करें तो अलवर में आज नई और पुरानी दोनों मंडियों को मिलाकर 45,000 पैकेट प्याज के देखने को मिले, यानी कि 40,000 से 50,000 के बीच में प्याज के कट्टे देखने को मिले। यदि भाव की बात करें तो दोस्तों अलवर की प्याज की मंडी में प्याज को मण के हिसाब से बेचा जाता है और मण होता है 40 kg का। तो मण के हिसाब से यदि भाव की बात करें तो 1200 रुपये मण से लेकर ऊंचे में अच्छी सुपर क्वालिटी की प्याज को 1700 रुपये मण के हिसाब से बेचा गया है। दोस्तों प्रदेश की और देश की कई मंडियों में क्विंटल के हिसाब से प्याज को बेचा जाता है। क्विंटल के हिसाब से यदि प्याज के भाव की बात करें तो 3000 रुपये क्विंटल से लेकर ऊंचे में 4200-4300 रुपये क्विंटल तक प्याज के भाव रहे हैं। दोस्तों किलोग्राम के हिसाब से यदि बात करें तो थोक में जो अलवर में प्याज है उसको शुरुआत की छोटी जो प्याज है उसको 25 रुपये किलोग्राम से लेकर जो सुपर क्वालिटी की अच्छी प्याज है वो 42-43 रुपये थोक भाव में अलवर की मंडी में बेची गई है। दोस्तों दोबारे से बता देते हैं, मण के हिसाब से 1200 से 1700 रुपये मण तक प्याज को बेचा गया है। क्विंटल के हिसाब से 3000 रुपये से लेकर 4200 रुपये क्विंटल तक प्याज को बेचा गया है। किलोग्राम के हिसाब से यदि भाव की बात करें तो 25 रुपये किलोग्राम से लेकर 43 रुपये किलोग्राम तक अलवर की मंडी में प्याज को बेचा गया है। और दोस्तों आप सभी से एक विशेष आग्रह है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को रोज़ अलवर की प्याज मंडी के ताज़ा अपडेट दिखाए जाते हैं, इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान, जय जय राजस्थान।